बाली साहब इधर समाजवादी पार्टी के हैं, इधर बहुजन समाज पार्टी के, बीच में आपको गलत खड़ा कर लिया मैंने, सही किया मुझे उधर खड़ा करना चाहिए था। सही किया है। हाँ। मैं बताऊं। जी जी बोलिए। जवाब दे सकता हूँ क्योंकि इनके पास नहीं है। दोनों भ्रष्टाचार है दोनों तरफ। एक काम नहीं कर पाए। अच्छा एक 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 करके हाँ बोलिए बाली साहब एक ये भ्रष्टाचार है दोनों तरफ। हम पाक साफ है, हमारे दामन में कहीं दाग नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी बहुत लड़ रही है। आप तो दिल्ली में सत्ता पे काबिज हो गए हैं, आपको लगता है कि अरविंद केजरी साहब आपकी पार्टी यहाँ कुछ कर पाएगी? देखिए मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, बसपा है, कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनको मौका दिया, लेकिन चारों पार्टियों ने जैसे आपके स्टूडियो में ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना आपस में, ऐसे ही इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आई है और पिछले 5 साल में इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने हर जनता के बुनियादी मुद्दे पे और उनके विपक्ष किसे कहते हैं आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं होता है विपक्ष किसे कहते हैं मेरी बात पूरी होने नहीं और विपक्ष की भूमिका नहीं के बारे सड़कों पे तो वैसे घूमते रहो तो कौन पूछ रहा किसी को। अरे विपक्ष के तो होते तो विधानसभा में एक आदमी ठीक है। जितेंद्र साहब को भी ले लेते हैं। अरे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। सुनिए बाली साहब मैं आपको मौका दूंगा। कांग्रेस पार्टी को भी मौका दे देते हैं, बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 50% महिलाओं को टिकट दे रही है। जितेंद्र चौधरी साहब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को नारा तो दिया है और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां चुनाव मैदान में, हमारी भी एक एंकर को आपकी पार्टी ले गई है, वो भी चुनाव में लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अलावा आपको कुछ फायदा इस बार हो पाएगा? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि जो नारा दिया था प्रियंका जी ने क्योंकि महिलाओं को उत्तर प्रदेश में सशक्त करने की जरूरत थी, सभी पार्टियों ने पीछे जो है महिलाओं को जो है बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, उन महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया। अब जैसे मेरे भाई लड़ रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं रोड़ा नहीं है हमारे तीनों विधानसभा में, तो मुझे एक चीज बता दीजिए, इन्होंने अपने विकास से अलग किसी का विकास किया हो तो बता दें, नंबर एक। दूसरा, इनके जो जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र ठाकुर जी, उन्होंने एक चारावाहा की जमीन है जो इन्होंने उनको कब्जा के और अपने भाइयों के नाम में प्लॉट काट रहे हैं, वो आज की डेट में कोर्ट में मुकदमा जाने वाला है। ये आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप नहीं, इस हकीकत आप जाके वहाँ जांच कर लीजिए। इन्होंने वहाँ चारावा की जमीन को कब्जा के वहाँ प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं और हमारे ही नेता ने जब उसको उजागर किया तो इनके ठाकुर के परिवार के लोग वहाँ पर जेवर उनके पास पहुंचे। अब कुछ ना कुछ इस मामले को ठंडा कर दीजिए, चुनाव नजदीक है, परंतु हम इस मामले को आपके माध्यम से उठा रहे हैं, हमने बीच में पब्लिक के बीच में भी लेके गए हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, मैं बाली जी इसको से पूछना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले ये सांसद के जनप्रतिनिधि रहे, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, शायद मुझे याद है कि अट्टा मार्केट में किसी दुकान में जॉब करते थे, नौकरी करते थे। व्यक्तिगत नहीं होता है। अरे मेरी अपनी दुकान है वो। नहीं अपनी नहीं है, आओ दिखा दूंगा। वहाँ से इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, पहले एक मकान नहीं होता था, आज इनपे सेक्टर। अरे मेरे पास 40 मकान है, इससे तुम्हें क्या लेना है? मुद्दों की बात करिए। अच्छा ठीक है बाली साहब, मुद्दों की बात करते हैं।
बाली साहब, चलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से रहे, समाजवादी पार्टी, एक सेकंड, चौधरी साहब, हमने व्यक्तिगत किया, हमने कह दिया, आप एक काम करिए, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों पे ये बताइए कि आप भारी पड़ जाएंगे, नहीं नहीं, अरे मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, एक मिनट, बहुजन समाज पार्टी को मैं मौका देता हूँ, मालूम करनी है मेरी, तो चलो दिखाता हूं, आप ये बताइए कि किस तरीके, अच्छा बाली साहब ठीक है, बाली साहब, आप एक चीज एक काम करते हैं, अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं, अभी एक मिनट, हम दूसरी बात कर रहे हैं, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से यहाँ पर मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? देखिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जी जी, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान में विश्वास रखती है और कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करती है। बहुजन समाज पार्टी के शासन में 5 साल के अंदर 23,10,000 रोजगार स्थापित किए गए थे, स्थायी रोजगार। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर दिया, गौतम बुद्ध नगर देने के साथ साथ डीएम ऑफिस, कप्तान, एसएसपी ऑफिस, कोर्ट कचहरी, सब कुछ बहुजन समाज पार्टी का दिया हुआ है। इससे पहले किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया।